हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये यूनिट जो हमारा है उसमें हम देख रहे हैं मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, आर्म किसके साथ कनेक्टेड रहता है, कैसे उसके साथ मेमोरी इंटरफेस होती है, ठीक है, वो सब हम देख रहे हैं, कैसे वो मेमोरी को मैनेज करता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि भाई मेमोरी क्या चीज़ है, ओके, एसोसिएटिव मैपिंग, वो मैपिंग कैसे करता है। तो जनरली मेमोरी को हमने डिवाइड किया था, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर जो होता है वो प्रोसेसर की अपनी मेमोरी होती है, तो उसके अपने फंक्शंस के लिए। तो मेमोरी की हायरार्की क्या है वो सब हमने देखा था, मेमोरी को वो मैनेज कैसे करता है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग को भी ये सपोर्ट करता है, आम बहुत ही एडवांस है, तो लेटेस्ट सब फीचर को ये फॉलो करता है। तो कैसे उसमें मेमोरी का मैनेजमेंट होता है वो हमने देखा था। मैपिंग हमने देखा था कि स्टैटिक मेमोरी, डायनामिक मेमोरी जो ऑलरेडी है तो उसमें क्या यूज़ होता है। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी, ओके, आफ्टर दैट कैश मेमोरी, जो कि हमारा मेन कंसर्न है इस चैप्टर का, कि कैसे आप कैश मेमोरी को ऑपरेट करोगे। कैश मेमोरी क्या है? जनरली वो मेन मेमोरी जो होती है उसमें से जब भी आपको वो प्रोग्राम की लेंथ अगर ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि मेन मेमोरी अगर छोटी पड़ती है तो कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ द मेन प्रोग्राम विल बी कॉपीड टू कैश, कि जो फ्रीक्वेंटली ज़्यादा यूज होते हैं, विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दे आर कॉपीड इन टू अ कैश मेमोरी। तो एज कम्पेयर टू प्रोसेसर को जब मेन मेमोरी एक्सेस करनी है उससे कम टाइम लगता है कैश मेमोरी को एक्सेस करने में। ठीक है, तो जो रिपीटेटिव टास्क होती है वो कैश मेमोरी में डाल देते हैं ताकि प्रोग्राम की जो स्पीड है, प्रोसेसर की स्पीड, वो बढ़े। मेन कैश मेमोरी का यही पर्पज है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी कैश मेमोरी की, एसोसिएटिव मैपिंग क्या है, डायरेक्ट मैपिंग क्या है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग क्या है, ये सब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ वर्चुअल मेमोरी का भी कंसेप्ट हमने देखा था कि वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली क्या चीज़ है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मेमोरी, पार्ट ऑफ द एक्चुअल मेमोरी, के जिसमें हमें रिसेंट जो टास्क है वो स्टोर होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कैश मेमोरी पे। ठीक है, कैश मेमोरी क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा मेमोरी, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, कोड मेमोरी, ये सब हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो कैश आर्किटेक्चर जो है आर्म के अंदर वो कैसा है। तो आर्म हैज टू बस आर्किटेक्चर इन इज कैश कोर, ओके, उसका जो कैश आर्किटेक्चर है उसमें दो टाइप के कोर को सपोर्ट करता है। एक है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड सेकेंड वन इज अ हार्वर्ड आर्किटेक्चर। डिफरेंस आपको मालूम ही होगा कि आप जानते ही हो कि डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी कई कंट्रोलर या प्रोसेसर में वो कंबाइन भी होते हैं, मतलब जहाँ पे आप मेन प्रोग्राम स्टोर करते हो वहाँ पे ही आप डेटा भी स्टोर करोगे। ओके, तो कुछ कंट्रोलर ऐसे भी है जिसमें ये सेपरेटेड होती है। ठीक है, तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड बस आर्किटेक्चर डिफर इन द सेपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा पाथ बिटवीन कोर एंड मेमोरी। आप जानते ही हो कि कोर काम कैसे करता है, कोर मतलब प्रोसेसर, तो प्रोसेसर वन बाय वन मेमोरी को रीड करता है प्रोग्राम को और उसके अकॉर्डिंग काम करते जाता है। तो जब कोर और मेमोरी के इंटरफेस जो हो रहा है उसमें से मेमोरी में अगर डेटा पाथ और इंस्ट्रक्शन पाथ मतलब कोड मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी, और डेटा पाथ मतलब बाय विच यू कैन एक्सेस द डेटा, तो ये पाथ अगर अलग होंगे वही डिफरेंस है वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड का। ठीक है, इन प्रोसेसर कोर यूजिंग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर देयर इज अ सिंगल कैश यूज फॉर अ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, दिस टाइप ऑफ कैश इज नोन एज अ यूनिफाइड कैश। तो वॉन न्यूमैन में क्या होता है कि सिंगल कैश मेमोरी ही होती है टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन कैश एंड डेटा कैश।
कैश आप जानते ही हो कैश मेमोरी क्या है, जो रिपीटेटिव टास्क हमें करनी है वो स्टोर होती है कैश मेमोरी में। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए अगर मेरे पास एक सिंगल कैश है, मतलब कि मेरा आर्किटेक्चर है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, और उसको मैं बोलूंगा यूनिफाइड कैश, ठीक है। एंड सेकंड वन, द हार्वर्ड आर्किटेक्चर हैज अ सेपरेट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा बस टू इम्प्रूव ऑल ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, बट सपोर्टिंग द टू बस रिक्वायर्स टू कैश। मतलब अगर मेरे पास इंस्ट्रक्शन बस के लिए इंस्ट्रक्शन कैश अलग से है, डेटा बस के लिए डेटा कैश अलग से है, तो वो आर्किटेक्चर है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। क्लियर। इन प्रोसेसर कोर यूजिंग हार्वर्ड आर्किटेक्चर देर आर टू कैश, द इंस्ट्रक्शन कैश दैट इज कॉल्ड आई कैश एंड अ डेटा कैश दैट इज कॉल्ड डी कैश। दिस टाइप ऑफ कैश इज नोन एज अ स्प्लिट कैश। ओके, जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है उसको हम बोलेंगे स्प्लिट कैश, क्योंकि उसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन कैश भी अलग है और डेटा कैश भी अलग है। वाइल वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज अ यूनिफाइड कैश, क्योंकि उसमें एक सिंपल कैश मेमोरी है टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन कैश एंड डेटा कैश बोथ। ओके, सो क्लियर अबाउट दिस कैश आर्किटेक्चर। ओके, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है कैश आर्किटेक्चर का, जिसमें जनरली क्या होता है, ये जो हमारी कैश मेमोरी है उसको एक्सेस करने के लिए ये प्रोसेसर जो एड्रेस, जो प्रोसेसर की कोर है उसका और कैश मेमोरी दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, कैश कंट्रोलर, कि जो कैश मेमोरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। इफ फॉर इंस्ट्रक्शन कैश यू हैव डिफरेंट एड्रेस लाइन एंड डेटा कैश हैज अ डिफरेंट एड्रेस लाइन, then this architecture is called Harvard architecture. And if you have a same address and data bus for a single cache memory for a instruction and data, then it's called von Neumann architecture. Okay, cache controller का भी बहुत अच्छा रोल है cache architecture में, one by one हम देखेंगे। तो mainly core मतलब processor और cache memory दोनों के बीच को जो कंट्रोल करता है दैट इज कॉल्ड कैश कंट्रोलर। कैश आर्किटेक्चर हैज मेनली थ्री पार्ट्स, अ डायरेक्टरी स्टोर, अ डेटा सेक्शन एंड स्टेटस इंफॉर्मेशन। ओके, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। मेनली ये तीन पार्ट है किसी भी कैश आर्किटेक्चर को समझने के लिए। डायरेक्टरी स्टोर, a cache must know where the information stored in a cache line originates from a main memory. Cache memory जो है उसको मालूम होना चाहिए कि information actually कहाँ पे loaded है memory पे, तभी जाके वो ऐसे ही repetitive task क्या को cache कर पाएगा, मतलब store कर पाएगा अपनी memory में, ठीक है। तो कैश को मालूम होना चाहिए कि मेन प्रोग्राम, मेन मेमोरी जो है हमारी उसमें प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर है और डेटा कहाँ पे स्टोर है। इट यूजेस फॉर दिस ऑपरेशन, इट यूजेस अ डायरेक्टरी स्टोर टू होल्ड द एड्रेस आइडेंटिफाइंग वेयर द कैश लाइन वॉज कॉपीड फ्रॉम अ मेन मेमोरी। ये कैश लाइन क्या चीज है, तो जो चीज से मेमोरी, मेन मेमोरी और कैश मेमोरी कनेक्टेड होती है उसको हम बोलेंगे कैश लाइन, ठीक है। तो इट यूजेज अ डायरेक्टरी स्टोर टू होल्ड द एड्रेस आइडेंटिफाइंग वेयर द कैश लाइन वॉज कॉपीड फ्रॉम अ मेन मेमोरी। डायरेक्टरी स्टोर से उसको मालूम पड़ेगा कैश आर्किटेक्चर को, कोर को, कि भाई मेन मेमोरी में आपका प्रोग्राम कहाँ पे लोडेड है, ठीक है। द डायरेक्टरी एंट्री इज नॉन एज अ कैश टैग। ओके, इसको बोलेंगे कैश टैग। A cache memory must also store the data read from main memory. Okay, कौन सा data भी read करना है वो भी मालूम होना चाहिए, और ये सब core में याद रखने का काम कौन करेगा, directory store. Okay, cache architecture is not only a part of cache memory. वो cache memory को control करने के लिए जो cache controller चाहिए, it is also a part of cache architecture. And some units like directory stores and all that are connected with the core which gives the access to a cache memory. तो directory store को दो चीजें मालूम होनी चाहिए, एक तो main program आपका कहाँ पे है
मेन मेमोरी में और डेटा कहाँ पे है मेन मेमोरी में. तो ये काम है डायरेक्टरी स्टोर का. द साइज ऑफ द कैश इज डिफाइंड एज अ एक्चुअल कोड और डेटा. द कैश कैन स्टोर फ्रॉम मेन मेमोरी. साइज ऑफ द कैश इज डिफाइंड. साइज ऑफ द कैश डिफाइन मतलब के उसको नंबरिंग कैसे देंगे. इट इज बाय द एक्चुअल कोड और डेटा दैट कैश मेमोरी कैन स्टोर. ओके, जो मेमोरी कैश मेमोरी जितना स्टोर कर पाती है उसी के नाम से हम उसको याद रखने का काम करेंगे. ओके, सेकेंड यूनिट इज अ डेटा सेक्शन. अ कैश मेमोरी मस्ट नो द स्टोर द डेटा रीड फ्रॉम अ मेन मेमोरी. दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन अ डेटा सेक्शन. ओके, जो डेटा को याद रखने का काम करेगा मेन मेमोरी में कहाँ पे पड़ा है वो यूनिट का नाम है डेटा सेक्शन. दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन द डेटा सेक्शन. द साइज ऑफ द कैश इज डिफाइंड एज द एक्चुअल कोड और डेटा द कैश कैन स्टोर फ्रॉम अ मेन मेमोरी. ओके, डेटा सेक्शन मतलब अनदर नेम ऑफ कैश मेमोरी. एंड थर्ड वन इज अ स्टेटस बिट्स. देर आर ऑल्सो स्टेटस बिट इन अ कैश मेमोरी टू मेंटेन द स्टेट इंफॉर्मेशन. ओके, स्टेट मतलब स्टेटस दिखाने का जो इंफॉर्मेशन अंदर जो आपको प्रोसेसर में या कंट्रोलर में क्या काम चल रहा है वो तो किसी को मालूम नहीं रहता ऐसे बाहर से देख के. ठीक है, तो उसी के लिए होती है ये स्टेटस बिट्स विच गिव्स द स्टेटस ऑफ अ कैश मेमोरी. टू कॉमन स्टेटस बिट्स आर देयर, द वैलिड बिट एंड द डर्टी बिट. टू स्टेटस बिट्स विच शोज द स्टेटस ऑफ कैश आर्किटेक्चर. कैश मेमोरी का क्या स्टेटस है वो ये दो बिट से मालूम पड़ेगा. एक है वैलिड बिट और दूसरी है डर्टी बिट. अ वैलिड बिट मार्क्स अ कैश लाइन एज अ एक्टिव. इट मीन्स इट कंटेन्स लाइव डेटा ओरिजिनली टेकन फ्रॉम अ मेन मेमोरी एंड इज करंटली अवेलेबल टू द प्रोसेसर कोर ऑन डिमांड. ओके, वैलिड बिट क्या मार्क करती है, वो मार्क करती है कि भाई कैश मेमोरी के पास सब एक्सेस है मेन मेमोरी को एक्सेस करने का. ओके, उसके पास सब कंट्रोल है मेन मेमोरी को एक्सेस करने का. ओके, ये वैलिड बिट से इंडिकेट होता है. अगर वैलिड बिट जीरो है मतलब के कैश मेमोरी के पास एक्सेस नहीं है मेन मेमोरी को एक्सेस करने का. ठीक है, अ डर्टी बिट डिफाइंस वेदर और नॉट अ कैश लाइन कंटेन्स द डेटा दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू इट रिप्रेजेंट इन अ मेन मेमोरी. डर्टी बिट क्या रिप्रेजेंट करती है कि भाई कोर के पास एक्सेस नहीं है, कंट्रोल नहीं है मेन मेमोरी को एक्सेस करने का. ठीक है, अ वैलिड बिट एंड डर्टी बिट. नाउ वी मूव टूवर्ड्स और नेक्स्ट मेन ब्लॉक दैट इज कैश कंट्रोलर. अगर कैश आर्किटेक्चर आपको पूछा जाता है एग्जाम 7 मार्क्स में तो आपको वो आर्किटेक्चर ड्रॉ करना है और ये तीन सेक्शन और कैश कंट्रोलर ये सब आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय कैश कंट्रोलर. अ कैश कंट्रोलर इज अ हार्डवेयर दैट कॉपीज कोड और डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी ऑटोमेटिकली. कैश कंट्रोलर क्या काम करेगा, कंट्रोल करेगा किसको, मेन मेमोरी से कोड या डेटा को ट्रांसफर करना है कैश मेमोरी में. ठीक है, तो वो कॉपी करने का काम करेगा और कंट्रोल करने का दोनों काम करेगा. इट परफॉर्म्स दिस टास्क ऑटोमेटिकली टू कंसील कैश ऑपरेशन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इट सपोर्ट्स. ओके, ये काम कैसे करेगा, वो ऑटोमेटिक तो करेगा लेकिन अंडर सॉफ्टवेयर कंट्रोल. जो सॉफ्टवेयर आप आम का लिखते हो, कोड लिखते हो, उससे आप कंट्रोल कर पाओगे दैट यू आर कॉपी द पार्ट ऑफ द मेन प्रोग्राम फ्रॉम मेन मेमोरी टू अ कैश मेमोरी. द कैश कंट्रोल इंटरसेप्ट्स रीड एंड राइट मेमोरी रिक्वेस्ट बिफोर पासिंग देम ऑन टू द मेमोरी कंट्रोलर. ओके, कैश कंट्रोलर क्या इंटरसेप्ट करता है, रीड एंड राइट मेमोरी रिक्वेस्ट.
ओके जो मेमोरी कंट्रोलर को रीड और राइट की मेमोरी से डेटा मेन मेमोरी को एक्सेस करने का, रीड क्या करने का या राइट करने का, ऐसा जो कंट्रोलिंग के लिए जो रिक्वेस्ट पहले भेजनी पड़ती है उसको भी वो इंटरसेप्ट करेगा, मतलब कि वो वैलिड है या नहीं है। ओके अगर वो वैलिड है तो ही मेन मेमोरी को वो ट्रांसफर करेगा और मेन मेमोरी उसका अकॉर्डिंग काम करेगी, ठीक है। अगर इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहा है तो वो रिजेक्ट कर देगा। इट प्रोसेस रिक्वेस्ट बाय डिवाइडिंग द एड्रेस ऑफ द रिक्वेस्ट इनटू थ्री फील्ड। ओके वो ये रिक्वेस्ट को एज अ एड्रेस देखता है और उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। कौन? कैश कंट्रोलर, ठीक है। कौन से तीन पार्ट में? द टैग फील्ड, द सेट इंडेक्स फील्ड एंड द डेटा इंडेक्स फील्ड। ओके किसी भी रिक्वेस्ट को ये डिवाइड कर देगा थ्री फील्ड में, टैग फील्ड, सेट इंडेक्स फील्ड एंड डेटा इंडेक्स फील्ड। फर्स्ट द कंट्रोलर यूज द सेट इंडेक्स पोर्शन। ये तीन फील्ड में से कौन से पोर्शन को वो पहले यूज करता है, और तीनों के तीनों पोर्शन का यूज तो करता ही है, लेकिन कैसे? तो ये कैश कंट्रोलर का बेसिक स्टेप है। तो पहले वो क्या करेगा, फर्स्ट द कंट्रोलर यूज द सेट इंडेक्स पोर्शन ऑफ द एड्रेस टू लोकेट द कैश लाइन विद इन द कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में एक्चुअल डेटा जो मेन मेमोरी से आया वो कहाँ पे पड़ा है, ठीक है, वो कैसे मालूम पड़ेगा कंट्रोलर को? तो सेट इंडेक्स पोर्शन से। ओके तो वो जो कैश इंडेक्स पोर्शन है उसको एड्रेस के साथ लोकेट करके मिक्स करके, ठीक है, मालूम करेगा कि भाई कैश मेमोरी में जो हमारा प्रोग्राम या कोड या डेटा है वो कहाँ पे है, ठीक है। सो दैट इज फर्स्ट थिंग, फर्स्ट इट यूजेस द सेट इंडेक्स पोर्शन। दिस कैश लाइन कंटेन्स द कैश टैग एंड स्टेटस बिट। ओके तो ये कैश लाइन जहाँ से सिलेक्ट किया उसने वो क्या चीज़ें कनेक्ट करता है, दैट कनेक्ट्स कैश टैग एंड स्टेटस बिट्स विच द कंट्रोलर यूजेस टू डिटरमाइन द एक्चुअल स्टोर्ड देयर। ओके कैश टैग से और स्टेटस बिट से वो कंफर्म करेगा कि हाँ भाई एक्चुअल डेटा मेन मेमोरी में, कैश मेमोरी में यहाँ पे पड़ा है। द कंट्रोलर देन चेक्स द वैलिड बिट ऑफ डिटरमाइन इफ द कैश लाइन इज एक्टिव एंड कंपेयर द कैश टैग टू द टैग फील्ड ऑफ द रिक्वेस्ट। वैलिड बिट आगे ही हमने देखा कि वैलिड बिट क्या चेक करती है, कि मेन प्रोग्राम में जिस पोर्शन को मेन प्रोग्राम एक्सेस देता है कैश मेमोरी को कि हाँ भाई तू ये प्रोग्राम का जो पार्ट है वो कॉपी कर सकता है, मतलब जिसको एक्सेस देता है, दैट इज डन बाय वैलिड बिट। ओके तो कंट्रोलर क्या उसके बाद चेक करेगा, जब उसको मालूम पड़ जाएगा भाई हाँ मैं कैश मेमोरी में ये डेटा यहाँ पे पड़ा है, तो उसके बाद वो चेक करेगा उसकी वैलिडिटी। ओके कैसे वो चेक करेगा? वैलिड बिट से। ओके कैश लाइन इज एक्टिव और नॉट वो मालूम करेगा, ठीक है, एंड कंपेयर्स द कैश टैग एंड द टैग फील्ड। इफ बोथ स्टेटस चेक मतलब कि ये वैलिड बिट एंड कंपेरिजन जो कैश टैग और टैग फील्ड का हुआ, इफ दे आर इक्वल देन इट हिट अ कैश हिट, मतलब के अगर वो सेम है तो कैश मेमोरी को इजीली एक्सेस मिल जाएगा, कैश मेमोरी को आप एक्सेस कर सकते हो, इट्स कॉल्ड हिट। इफ आइदर द स्टेटस चेक और अ कंपेरिजन फेल्ड देन इट्स कॉल्ड कैश मिस, ठीक है, कैश हिट एंड कैश मिस ये बहुत काम की चीज है। ओके कैश कंट्रोलर के लिए ये सब बहुत काम का रहता है। ओके आर्म कैश कोर फीचर्स, सब अलग अलग आर्म बेस्ड जो कंट्रोलर्स हैं उनमें क्या क्या फीचर्स रहते हैं, तो आर्म 7, आर्म 9, आर्म 10, ओके इंटेल स्ट्रॉन्ग आर्म, इंटेल एक्सकेल,
उसमें सबसे पहले तो कैश टाइप, यूनिफाइड एंड स्प्लिट। यूनिफाइड मतलब इट सपोर्ट्स वन मेन आर्किटेक्चर, एंड स्प्लिट कैश मतलब इट सपोर्ट्स हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ओके, साइज यहाँ पे दी गई है कि कितनी साइज फॉलो करते हैं ये लोग। ओके, इन केबीज। कैश लाइन कितनी है, कैश लाइन मतलब के मेन मेमोरी को कैश मेमोरी से कनेक्ट करने की लाइन। ठीक है, उसकी एसोसिएटिविटी कितनी है, ओके, फोर वे 64 वे, हाउ मच। लॉजिकल एड्रेसेस रहते हैं, कैश लॉकडाउन और बफर साइज भी यहाँ पे एज अ फीचर यू कैन इम्प्लीमेंट। ओके, सो इट्स कैश फीचर्स। आज के लेक्चर में हमने देखा कैश आर्किटेक्चर, कि कैश आपको कैश मेमोरी जो है वो कैसा आर्किटेक्चर फॉलो करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कैश मेमोरी का, और MPU और MMU क्या चीज़ें हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो फॉर दिस लेक्चर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।